आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। जोमेटो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवा शहर में रहा प्रभावित, जोमेटो राइडर अपने कंपनी के रवैये से दिखे नाखुश। जोमेटो के फूड डिलीवरी बॉयज का धरना, कंपनी पर लगाया आर्थिक शोषण करने का आरोप। आपको बता दें कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के डिलीवरी बॉयज ने आज कंपनी के विरोध में CMS स्कूल मैदान भागलपुर में धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शन के चलते ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवा आज भागलपुर शहर में प्रभावित रहा। इस प्रदर्शन में जोमेटो कंपनी के सभी राइडर हड़ताल पर उतर गए हैं। उनका कहना है कि हम लोगों से 16 घंटे काम लिया जाता है, परंतु उस हिसाब से हम लोगों को पेमेंट नहीं किया जाता है। हम लोगों के मोटरसाइकिल में तेल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जाती है, जिसको लेकर हम लोग आज जोमेटो का कोई काम नहीं करेंगे। वहीं आज हम सभी जोमेटो राइडर हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए जोमेटो राइडर कंपनी के कर्मी ने कहा, हम लोगों ने इस कंपनी को भागलपुर में जीरो से हीरो बना दिया, लेकिन कंपनी ने हम लोगों के साथ अनदेखा किया, यह सही नहीं है। जब तक हम लोगों की बातें नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। वहीं बता दें कि आज के प्रदर्शन में जोमेटो राइडर प्रवीण, पंचम कुमार, साजन कुमार के अलावे दर्जनों कर्मी मौजूद थे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा पहले सिस्टम था, हमको वही सिस्टम दे दीजिए। जब से गिग्स आया है, जब से हम सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। पहले सिस्टम क्या था? पहले था कि हम सबको रेस्टोरेंट जाने का भी किलोमीटर मिलता था, 6 रुपया दिखता था उसके अंदर, और वहां से जाकर के डिलीवरी करने का भी पैसा मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब हम सबको पते नहीं चलता, कभी 20% देता है, कभी 30% देता है, कुछ समझ में नहीं आता। और लास्ट में पे आउट हमको 600-500 होता है, और पहले 1000 रुपया कमा लेते थे और 300 का तेल जलता था, अब 400 का तेल जलता है। अब लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पहले जो पहला हमारा रेट कार्ड हो जाए, या फिर ये भी रहे, या तो ये रहेगा तो इसमें हमको पैसा ज्यादा चाहिए जो पहले मिलता था। पर किलोमीटर हम सबको जो पहले मिलता था वो, और इंसेंटिव जो। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी ये चाहते हैं कि जो पैसा हमको पहले जितना हम कमाते थे, हमको उतना ही कमाना है, ज्यादा नहीं कमाना है। अभी क्या कर दिया इन्होंने, अभी उस पहले से आधा कर दिया है, हमको पहले इतना ही पैसा चाहिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवीण है और ये जोमेटो का राइडर है। बढ़िया आदमी के साथ हम लोग मेहनत करते थे और कमाते भी थे, लेकिन पर कंपनी ने हम लोग के साथ ऐसा किया, कंपनी को हम लोग कितना आगे पहुंचा दिए मेहनत करके। और कुछ महीना पहले कंपनी ने हम लोग के साथ शोषण करना स्टार्ट कर दिया, जो कि हम लोग का अर्निंग पहले 8-10 घंटा काम करते थे तो 800-1000 रुपया हो जाता था, जिसमें हम लोग 200 का तेल जलाते थे तो भी खुश रहते थे। आज कंपनी हम लोग के साथ 16 घंटा काम करवाती है, 300 का पेट्रोल जलवाती है और 16 घंटा में 300 रुपया हमें मिलती है। सर, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को जो चाहते हैं, जो पिछले तरह से काम करते थे उस तरीका से कंपनी हम लोग के साथ काम करवाए। हम कंपनी के साथ हमेशा साथ रहेंगे, नहीं तो कंपनी को हम भागलपुर में नहीं रहने देंगे। क्या नाम है? आप क्या कर रहे हैं आप? आज हम लोग स्ट्राइक में है, कंपनी का कोई ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा, कंपनी का स्ट्राइक है, बंद है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी कंपनी का काम बंद रहेगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम साजन कुमार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहे लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।